गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्कार, सुप्रभात। कल हम पढ़ रहे थे स्पर्श भाग को, और स्पर्श भाग में पढ़ा जा रहा था जैन की देन। रविंद्र केलकर का पाठ था जैन की देन, उसको हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कविता। कविता में पढ़ेंगे कर चले फिदा हम साथ हैं। ये कविता आपने पढ़ी होगी, आपने देखी होगी, लेकिन पाठ्य पुस्तक में है, आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है। तो इस कविता को पढ़ेंगे, कर चले हम फिदा जान और तन साथी। बड़ा गीत है, अच्छा गीत है। और इस गीत में इसमें लिखा गया है, मुश्किल में लिखा गया है, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो इस गीत को लिखा है, जिसने इस कविता को लिखा है, उन कवि के बारे में, राइटर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। कैफी आदमी, कैफी आदमी का आपने नाम सुना होगा, अतहर हुसैन रिजवी इनका नाम है, असली नाम है अतहर हुसैन रिजवी। और इनका जो जन्म है 1919 और मृत्यु 2002 में। तो इस प्रकार से अतहर हुसैन रिजवी रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 और 1900 साल का, तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में पे, अर्थात 19 जनवरी को सन 1919 को आजमगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर मजमा नामक गांव है, वहां पर आपका जन्म हुआ। कैसे आदमी जिनका नाम है अतहर हुसैन रिजवी, ठीक है। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। अदब होता है साहित्यकारों की दुनिया, जो कवियों की दुनिया, लेखकों की दुनिया, साहित्यकारों की दुनिया, रचनाकारों की दुनिया, उसमें आप अदब के नाम से, कैफी आजमी के नाम से आपको जाना जाता है। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। प्रगतिशील, आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि प्रगतिशील, यहाँ समाजवाद की बात होती है, कम्युनिज्म की बात होती है, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, सब बराबर, सबको, जो गरीब है, पिछड़े हैं, जो मजदूर है, उन सबका विकास होना चाहिए और वो देश की धारा में जुड़ना चाहिए। तो इससे ऐसी बात लिखने वाले, ऐसे विचार लिखने वाले, गरीबों के बारे में लिखने वाले, मजदूरों के बारे में लिखने वाले, किसानों के बारे में लिखने वाले, ऐसे कवि, उनके विकास की बात करने वाले, जो प्रगतिशील कवि कहलाते हैं। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट समाजवाद, साम्यवाद है, तो ये कहलाएंगे प्रगतिशील। उसमें आपका नाम प्रथम पंक्ति में आता है, अर्थात पहली पंक्ति में आपका नाम लिया जा सकता है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता समावेश करता, जो कवि लिखता है, कविता करता है, वो सामाजिक जागरूकता लाता ही है, राजनीतिक जागरूकता लाता ही है, तो दूसरी और हृदय की कविता भी है, अर्थात अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं, अच्छी मार्मिकता है, मर्म को छूने वाली, कोमल को करने वाली, हृदय को कोमल करने वाली वो बातें भी जरूरी है, है? अगर एक ही चीज पर रहेंगे तो कभी फिर वो जमता नहीं किसी को, तो उसमें सामाजिकता, राजनीतिक जो बातें हैं, वो जागरूकता वो लाने के साथ साथ अपने लेखन में, अपने जो नाम से लिखते हैं, उसमें कोमलता भी होना चाहिए। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में, अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाह वाह पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। कैफी आजमी के काफी गीत आप सुन सकते हैं, फिल्मों में काफी गीत देख सकते हैं, काफी गीत लिखे हैं आप, है ना, कैफी के नाम से। तो क्या नाम से अपनी जो युवावस्था से लिखते आ रहे हैं, जवानी से लिखते आ रहे हैं, और फिल्मों में अधिकांश गीत आपके धर्म गीत आपने लिखे हैं। 10 मई 2002, 10 तारीख थी, मई का महीना था और 2002 साल था, को इस दुनिया से रुखसत, मतलब विदा हो गए, चले गए, आप अल्लाह मियाँ को प्यारे हुए, वे कैफी के 5 कविता संग्रह प्राप्त हुए हैं। पहला है झनकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित। 10,000
10 मई 2002 को आप दुनिया से चले गए, और जो 14 में 19 पैदा हुए तो कितना साल, 80 कई साल या 19 साल तक आप जीवित रहे, और आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जनकार लिखी है, आखिरी शब्द लिखा है, आवारा शब्द लिखा है, सरमाया लिखा है, और फिल्मी गीतों का पूरा एक संग्रह काट रहा है। मेरी आवाज़ सुनो, अपने रचना कर्म के लिए केफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अर्थात आपको प्राइज मिले, सम्मान भी मिला है, साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है बड़ा पुरस्कार होता है वो भी आपको मिला है। केफी कले कलाकारों के परिवार से थे, अर्थात पूरे परिवार में इनका कला, काफ़ी सभी लोग हैं, कोई फिल्मों में काम कर रहे थे, कोई अभिनय कर रहा था, कोई गीत लिख रहा था, कोई क्या काम कर रहा था, तो थे। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे, अर्थात जो बड़े भाई थे वो भी शायरी करते हैं, शायर का अंदाज था, कविता लिखते थे, शायर मंचों पर शायरी बोलना और किताबों में लिखना, ये काम था इन तीनों बड़े भाइयों का। पत्नी इनकी शौकत अली आजमी, और बेटी को आप सब जानते हैं शबाना आजमी, शबाना आजमी भी अच्छी कलाकार रही है, तो वो आपकी बेटी थी केपी आजमी की। तो इस प्रकार से इनका जो परिवार है वो कलाकारों का परिवार माना जा सकता है। जो पाठ हम पढ़ेंगे, कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, जो कविता पढ़ेंगे उस कविता में क्या है, क्या बातें गई है, थोड़ा पाठ हम देख लेते हैं। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, अर्थात जीवन सबको प्यारा होता है, जिसने भगवान ने जन्म दिया है, ईश्वर ने सृष्टि में लाया है, तो वो जीने के लिए जितना जीवन मिलता है, भगवान ने जितना जन्म दिया है इंसान को, 100 साल 100 साल 80 साल 90 साल को जिया है, हर प्राणी की अपनी आयु बंधी हुई है, तो अपनी आयु के अनुसार हर आदमी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, और कोई बीमारी भी होता है कोई बात होता है, उसकी भी आशा रहती है कि वो जीवित रहे, जिंदा रहे, आगे तक उसका जीवन चले, तो हर व्यक्ति प्रिय होती है उसको अपनी जिंदगी। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता है, कोई आदमी चाहता है कि उसे चल जाए, आए पैदा हो गए और खाया पिया और मरे, ऐसा नहीं है, अच्छा काम करके जाए, अच्छा आराम करके जाए, यही व्यक्ति की इच्छा रहती है, ऐसे नहीं मरे बीमारी मर गए या आत्महत्या कर ली या कैसे मर गए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी, इसको बड़ी बीमारी हो जाती है, असाध्य जो क्या नाम से साधने में नहीं आए, ऐसी बीमारी वाला व्यक्ति भी क्या नाम से अपने जीवन की कामना करता है कि भगवान उसको अच्छा कर दे, भगवान उसको ठीक कर दे, भगवान उसका जीवन लंबा चलाए, ये कामना करता है, वो ये नहीं चाहता कि वो प्राण उसको ले ले, भगवान अपने यहाँ बुला ले उसको, ऐसी बात कोई भी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहे प्राणी हो, चाहे क्या नाम से जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, जो भी संसार में आया है वो सब यही चाहता है कि उसका जीवन बचा रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, उसका जीवन हिफाजत में रहे, और भगवान उसको उसकी पूरी जीवन दे दे। जीवन की रक्षा सुरक्षा उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, बीमारों का दवाइयां हैं, इलाज है उसके लिए और कई बातें हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना कोई है, अर्थात हर आदमी चाहता है, हर जब प्राणी चाहता है, हर के आराम से जो संसार में आया है वो चाहता है कि उसका जीवन लंबा चले, उसका जीवन सही बना रहे, कोई भी उसको अकाल मृत्यु ना आए, अकाल मृत्यु से बचाए भगवान, जितना जीवन है उसका वृद्धावस्था तक चले, लास्ट तक चले और वो जीवन बैठा रहे, ऐसी भावना हर व्यक्ति के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर पशु के अंदर है, जितना भी संसार के अंदर जीव जंतु आत्मा परमात्मा ने दी है उन सबके अंदर ये भावना रहती है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा के मुकाबले के लिए तत्पर हो जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति ऐसा जानवर जो खुशी था शांत है, लेकिन उस पर कोई आती है आपत आती है, कोई मानव दौड़ता है या कोई प्रकृति आपदा आती है, तो उस प्राकृतिक आपदा से संभलने के लिए उससे बचने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई सामान्य जानवर है, कोई पशु है पक्षी है, आप कुछ छेड़े नहीं करेंगे तो भी आपके लिए मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं, उसके अंदर क्षमता है, जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक वह व्यक्ति वो जरूर प्राणी वह क्या नाम से अपने बचाने के लिए वो आपका हावी हो जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर हर प्राणी के अंदर भावना होती है अपने जीवन को लंबा चलाने के लिए, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई मरना भी चाहता है, लेकिन कई लोग होते हैं
तो मार देता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, जानवर होते हैं, समझते नहीं है कि इसको मारने से क्या होगा, लेकिन प्रकृति है। तो इस प्रकार से जो भी क्या नाम से पशु पशु पक्षी मनुष्य जो किसी पर हमला करता है, वारदात करता है, तो उसके हमले में वो उसका प्रतिरोध करता है, हर प्राणी के अंदर ये भावना होती है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। सैनिक को मारना नहीं चाहता लेकिन वो खुद मरने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवन की परवाह नहीं है, उसे अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में जो लोग जीवन जो बैठे हैं, जिनकी रक्षा के लिए वो खड़ा है, उनकी रक्षा के लिए कोई बात आ जाती है तो वो पहले मर जाता है, अपनी जान को दे देता है। वो भी नहीं चाहता कि मरे, मारे किसी को, सामने वाले दुश्मन को मारे, लेकिन जब आती है उसके ऊपर वो भी मरने को तैयार हो जाता है। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर उसकी आजादी बराबर होती है, अर्थात उसके तो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आजादी पर, स्वतंत्रता पर कोई बात आती है, कोई घटना घटती है, कोई दूसरा व्यक्ति के आराम से हमला करता है, तो वो व्यक्ति, वो सिपाही, वो जवान उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है। उसको कहते हैं शहीद हो गया, वो शहीद हो गया वहां पर, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, मरता नहीं हो, उसको ऐसे ही मरा हुआ नहीं समझते हैं, उसको शहीद होने की बात करते हैं कि फला व्यक्ति, फला सिंह जी, फला रामकिर्ण व्यक्ति बॉर्डर पर आज लोगों की रक्षा करते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान खड़ा हो जाता है, लड़ने को लिए तैयार हो जाता है ना, ये जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बच रहे, अर्थात उसकी जिंदगी चला जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए, उसका जीवन शहीद हो जाए, लेकिन जो और लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जो जिनकी रक्षा के लिए, जिनकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़ा है, उन लोगों की का जीवन सुरक्षित रहे, हिफाजत में रहे, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आना चाहिए। ऐसा बॉर्डर पर सीमा पर जो काम कर रहा है जवान सैनिक ऐसा सोचता है, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है, अर्थात मरने की संभावना, मौत की संभावना ज्यादा रहती है। मरना पड़ता है, बॉर्डर पर रहेगा तो वैसे गोली चलेगी, मरेगा वैसे कोई गोली मारेगा तो मरेगा, इसलिए ज्यादा संभावना रहती है कि उसको अपनी परवाह न करते हुए अन्य लोगों की परवाह की ज्यादा चिंता रहती है, अन्य लोगों की ज्यादा चिंता करता है। ये बात तो ये पाठ इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, कौन सी फिल्म थी, 1962 में जब भारत और पाकिस्तान चाइना का युद्ध हुआ, और चाइना के युद्ध में जब हमारे सैनिक जब बॉर्डर पर लड़ रहे थे, तो उस पर आधारित चेतन आनंद था नाम का, शायद चेतन आनंद था, चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हकीकत नाम था, उस हकीकत में ये गीत लिखा था, कैसी आदमी था, तो बड़ा चर्चित गीत है, बड़ा अच्छा गीत है, बड़ा एक सैनिक जो अपने दूसरे सैनिकों को और हम सबको, यानी जो संसार में रह रहे हैं हम सबको ऐसी भावना भरता है कि हम तो जा रहे हैं, हम तो विदा हो रहे हैं, पिता का मतलब है विदा होना, बलिदान होना, अब जो देश बचा है, इस देश की सुरक्षा करना, इस देश की हिफाजत करना, इस देश की रक्षा करना, इस देश को बचाए रखना, अपने अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना, ये आपके ऊपर है, ये आपके कामों पर है। तो हकीकत जो फिल्म बनी थी उसमें एक गीत दिया हुआ है, ये लिखा गया गीत है, प्रस्तुत पाठ में जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म था, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस पर फिल्म बनी थी, उसका नाम था हकीकत, और उस हकीकत में ये गाना दिया हुआ है। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, अर्थात ऐसे ही सैनिक, सैनिक के अंदर क्या है, सैनिक की क्या क्या कामना करता है, जो अच्छा सैनिक है, जो सच्चा सैनिक है, देश के लिए लड़ता है, इसको राष्ट्र प्यारा है, और राष्ट्र की जो जनसंख्या प्यारी है, राष्ट्र में रहने वाले लोग प्यारे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए वो क्या कहता है, क्या बोलता है, वही की जो उसके अंदर की आवाज है, उसके हृदय की आवाज है, वही हमको इस में गीत में मिलेगी। जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, जो करता है, जो राष्ट्र के लिए लड़ता है, अपना बलिदान कर देता है, शहीद हो जाता है, शहीद होता है, ऐसे नहीं कि मर रहे हो, कोई बात नहीं मर जाएंगे, लेकिन मेरे देश के लोग, मेरे देश की हिफाजत, मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित है, ऐसी काम पर उसको नाज है, उसको गर्व है, उसको स्वाभिमान है कि मैं मेरे देश के लिए लड़ता हुआ मर गया, तिरंगे में उसको लिपटाया जाता है, और क्या नाम से कितनी जो दी जाती है उसको सलामी, तो
इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने आप पर राज करता है, क्योंकि शहीद हो रहा है, वैसे नहीं मर रहा, कोई बिना बात नहीं मर रहा कि उसको मरने में शोक आ गया, जो गोली खा ली है, वो लड़ते हुए मरता है, मारते हुए मरता है, केस लोगों को मारेगा, अपने दुश्मनों को मारता है, अपने सामने जो क्या नाम से दुश्मन बैठे हैं उनकी हत्याएं करता है, मतलब उनको लड़ता है, वैसे तो लड़ता नहीं है, उसे उधर ही बैठे बैठे, लेकिन कोई आग जानबूझ के हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, हमारी राजनीति उसी से कोई हमला करता है तो उसको मार करके मरता है और मरने में भी अपना स्वाभिमान समझता है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। अब भाई व्यक्ति मर रहा था, कुछ अपेक्षा रखेगा, कुछ उसको आशाएं तो रहेगी, क्या आशाएं रहेगी कि चूंकि जिनमें वह उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं हम और आप ही है, अर्थात हमसे जाता है, हमें से ही आए गए और अपने बैठे हैं, तू मरता रहे, ऐसा नहीं है, जो मर रहा है हमारे लिए मर रहा है, किसके लिए मर रहा है, हमारे लिए मर रहा है, हमारे लिए अपना प्राण निछावर कर रहा है, हमारे लिए शहीद हो रहा है, तो हमसे भी आशय रखता है, क्या आशय रखता है कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं लेकिन इस देश को बचाने का, इस देश को सलामत रखने का, इस देश को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, आप इसको संभालिए, आप इसको हिफाजत कीजिए, नहीं तो बेटर है क्या ना, कितने साल तुम गुलाम रहे, कितने साल दूसरे जो लोग आए यहाँ पर और हमारे पर शासन करते रहे, 47 के बाद जब आज़ादी मिली तो हमारा देश हमारे लोगों के हाथों में, उससे पहले तो अंग्रेजी गुलाम थे, गुलाम थे और जो बाहर से लोग आए और कब्जा करते रहे, क्या नाम से लूटते रहे और क्या नाम से यहाँ के लोगों पर शासन करते रहे, तो ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं, अर्थात जो करें जो भावनाएं हमकी जो क्या नाम से भावनाएं हमको दे रहे हैं कि इस प्रकार से आपको लड़ना है, सुरक्षित रखना है देश को और बचा के रखना है। ये गीत है और इस गीत को पढ़ेंगे, अच्छा गीत है तो शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जान वतन साथ, फिदा क्या अर्थ होता, फिदा फिदा का अर्थ होता है बलिदान कर देना, त्याग कर देना, अपने आप को खत्म कर देना, देश के लिए त्याग हो देना, देश के लिए बलिदान हो देना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथ, जब लड़ाई चल रही है भारत चाइना के बीच में, तो उसमें वहां का सैनिक बोल रहा है, वहां का सैनिक कह रहे हैं कि हम तो अब जा रहे हैं, लड़ रहे हैं तो लड़ने में कोई नहीं है कि जीवित भी रहे, जीवित रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी भाग्य की बात है, और मर गए तो भी कोई बात नहीं, कोई भी जा रहे हैं तो कर चले फिदा जान और तन साथी, अर्थात हम तो जान और तन शरीर से जा रहे हैं, इसको इस देश के लिए विदा कर रहे हैं, फिदा कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जब लड़ेगा तो शरीर भी जाएगा, जान तो जाएगी जाएगी और तन भी जाएगा उसका, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हुआ था, इस देश को अब तुमको संभालना है, इस देश की रक्षा अपन को करनी है। भाई बस में आए, कर चले हम फिदा, फिदा का मतलब होता है त्याग कर देना, बलिदान कर देना, अर्थात अब हम तुम्हारे लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप का बलिदान कर रहे हैं, अपने आप का त्याग कर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, हवाले होता सुरक्षित है, हवाले आपके ही सुपुर्द है, अर्थात अब ये देश आपके सुपुर्दगी में है, आप बचा के रखें, बचा के ना रखें आपका कर्तव्य है, इस तरह की बात करें। सांस थमती गई नब जमती गई, क्या होता है जब लड़ाई लड़ते हैं तो सांस रुक जाती है, नब जो होती है जिसमें खून बहता हमारा, वो खून भी कम हो जाता, रुक जाता है, क्या होता है घायल होते हैं, मर जाते हैं, बिल्कुल बंद हो गए तो मर गए, सांस थमती गई मरते गए, और नब जमती गई, नब में खून बहता है वो खून में धीमा हो गया बहना, या खून में रुकावट आ गई, गोली लग गई, मर गए, कुछ भी हो गया काम करते हुए, तो फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, ऐसी स्थिति में हमने हमारे कदमों को इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए रुकने नहीं दिया, लड़ते रहे आखिर दम तक, आखिर सांस तक हम लड़ते रहे, सांस जब तक रुकती नहीं है, सांस जब तक जिंदा शरीर में है तब तक हम लड़ते रहे, नब जमती नहीं है, खून जमता नहीं है नसों में, तब तक हम लड़ते रहे, धीमी नहीं पड़ती है उसकी खून बहने के लिए, रुका हुआ रुकावट नहीं आती उसके अंदर, तब तक हम लड़ते रहे, हमारे कदम रुके नहीं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए
हमारे कदम तब तक भी रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे ये सोच करके कि मेरे देश के लोग सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इस पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। ये सैनिक का कर्तव्य होता है और वही कर्तव्य सैनिक का नहीं हम सबको बताते हैं, वही कर्तव्य हम जो देश के अंदर रह रहे हैं वो ही हमको कह रहे हैं कि देश के प्रति, देश पहला है, राष्ट्र पहला है, राष्ट्र की जो बातें हैं वो प्रथम है, राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी बढ़ते कदम को अर्थात हमारे जो कदम, हमारे जो पैर लड़ने के लिए देश दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे उसको रोकने दिया है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अर्थात लड़ते लड़ते लड़ाई में यदि सिर भी कट गए, सिर का भी त्याग दे दिया तो कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सर हमारे हिमालय का हमें, तो हमारा हिमालय हमारा ताज है, भारत देश का ताज है, राष्ट्र का ताज है, उसके सिर को हमने झुकने लिया, उसको किसी के सामने विनम्र नहीं दिया, झुकने दिया बनाने दिया। तो ये संख्या है, दोबारा देख लें इसको, पैर चले हम फिदा जानो हम साथियों, अर्थात हे साथियों, हे दोस्तों, हे देशवासियों, हे मित्रों, जो साथ में काम कर रहे हैं उसके मित्र के लिए कह रहा है और हमसे भी कह रहे हैं, हमसे भी वो संबोधित कर रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं उद्बोधन से देश के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि अब हमने तो हमारे शरीर को और जान को बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया है, अर्थात अब तुम्हारे हवाले, हवाले होता है कि आपके ही सुपुर्द करके जा रहे हैं, अब देश आपके, क्योंकि आदमी शरीर मर जाएगा दूसरा आएगा, लड़ेगा सही, लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो दूसरा अपना कब्जा करेगा, इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपने आजादी को बचाने के लिए आदमी को लड़ना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब देश आपकी सुपुर्दगी में है, आप लड़े। सांस थमती गई, अर्थात लड़ाई में सांस थमती है, रुकती है, नब जम जाती है, जो नब जो होती है खून नस होती है उसको बोलते हैं नब, जो हमारे शरीर के अंदर बहती है, तो उनमें खून जो चलता रहता है, जब लड़ाई होगी मर जाएंगे, गोली लग जाएगी, कोई बात हो जाएगी, नब जमेगी, तो फिर भी बढ़ते कदम को रख दिया, फिर भी हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उस सुरक्षा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमने आराम से हमारे शरीर की परवाह नहीं की, हमारी जान की परवाह नहीं की, हमारे तन की परवाह नहीं की, हमारे सांस की परवाह नहीं की है, और आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ नहीं, अर्थात लड़ाई में लड़ते लड़ते त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, और लड़ाई में सर भी कट गया तो उसकी सर को कटने की कोई चिंता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, है? बड़ा गर्व है कि हमने राष्ट्र के लिए अपने सर को कटा दिया, सर हिमालय का हमने ढूंढ दिया, लेकिन देश के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दी है, जो सर है हिमालय और हिमालय का सर हमने कभी झुकने नहीं दिया, हमारे सिर कट गए कोई दिक्कत नहीं है, मर गए कोई दिक्कत नहीं, शहीद हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश आजाद रहेगा, देश खड़ा है, नाम से देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, तो सर हिमालय का हमने ढूंढ दिया, ना हिमालय का सर हमने कभी झुकने नहीं दिया। ऐसी भावनाएं होती है, ऐसी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और हमारे सैनिक, तो ऐसा बनना है हम सबको, ऐसी भावना हमको अपने अंदर रखनी है, चाहे कुछ हो जाए लेकिन राष्ट्र पहले है, हम जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम सैनिक बने, हम सैनिक के रूप में हमारा काम हो, हम क्या नाम से काम करें ये जरूरी नहीं है, हम जान भी रहे हैं जिस स्थान भी रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि माने, राष्ट्र को प्रमुख माने, ऐसा नहीं कि पैदा हो गए क्या नाम से अपना खाया पिया भर गए, काम करने काज का दुश्मन स्थिति होना चाहिए, जहाँ भी रहे देश प्रमुख है, पहले राष्ट्र को सर्व प्रमुखता देना चाहिए, उसके बाद अन्य बातें हैं, उसके बाद जो दूसरी बातें हैं वो चलती है, लेकिन पहले राष्ट्र, राष्ट्र पर जब आती है तो हमको जहाँ है जिस स्थिति में है वहां पर खड़े हो जाना चाहिए, ये बात है। मरते मरते रहा बांकुर साथियों, बांकुर का शौर्य, बांकुर का लड़ने की भावना, ला बांकुर होती है क्या युवाओं में जोश, अर्थात जहां तक लड़ते रहे वहां पर बराबर का बात, बराबर का लड़ने का भावना, लड़ने की जो चीज है, लड़ने की जो शौर्य शक्ति है वो हमारे अंदर बना रहा है, पीछे नहीं, चाहे घायल हो गए, चाहे क्या नाम से बेहोश हो गए, लेकिन बेहोशी की कोई चिंता नहीं है, घायल होने की कोई चिंता नहीं, बांकपन शौर्यपन हमारे अंदर हमेशा बना रहा, बांकपन था शौर्य, लड़ने की बात होती है बांकपन, ये कहा गया उसको, तो
हम क्या नाम से लड़ते लड़ते हाँ मरते था आकर्षण तक, जीवन के आकर्षण तक, जहां तक हमारा प्राणों के अंदर क्या नाम शरीर के अंदर प्राण थे और प्राणों तक प्राणांत तक हम लड़ते रहे और लड़ने की वही भावना वही भावपन वही सोये हमारे बना रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे मित्रों, हे दोस्तों, है अब ये वतन है, ये जो राष्ट्र है ये तुम्हारे हवाले है। हम तो जा रहे हैं, हम तो हमारा काम करके पूरा देश के लिए लड़के देश के लिए अपनी गौरव दिवा करके और जा रहे हैं, तो अब आपको संभालना है। अब आप संभाल सकते हैं तो अच्छी बात है, और संभालना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने सैनिकों से कह रहा है, सैनिकों के साथ हम सबसे कह रहा है, देशवासियों से कह रहा है, देश के युवाओं से कह रहा है, देश के जो भी नागरिक है, बच्चा है, बड़ा है, युवा है, वृद्ध है, सबसे कह रहा है कि देश की हिफाजत करना, देश की रक्षा करना, देश के बचाए रखना अब आपके बूटे है, आपका कर्तव्य है। इसको कितना बचा के रखते हैं, कितना वो रखते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है भाई, टाइम है अभी पास 5 मिनट है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, अर्थात जिंदा से भी रहते हैं। भगवान ने जो सृष्टि में हमको जन्म दिया है, हम जब यहाँ आए हैं परेशानी खाए पिए और कुछ नहीं किया और कल के मर गए। जिंदा रहने के मौसम बहुत सारे हैं, सभी जिंदा रहते हैं। जान देने की रुत हो जाती नहीं, लेकिन ऐसा मौका ऐसा अवसर जहाँ पर हम देश के लिए मरना पड़े और मरने के पश्चात लोग हमको याद करें, हम जो एक बार शहीद हो जाएं जैसे देश के लिए, ऐसे वैसे मरने को शहीद नहीं बोलते, अच्छे काम के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के लोगों की आज़ादी के लिए, अगर उनकी आज़ादी पर कोई किसी प्रकार का हमला हो रहा है तो उस हमले को बचाने के लिए हम चाहे मर जाए अपनी जान को दे दें, तो वह के आराम से ऐसी ऋतु आती नहीं रोज और आ जाती है और शहीद कहलाते हैं, नाम होता है हमारे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर। कुष्ठ और इष्ट दोनों को रुसवा करें, तो ऐसे में हम चाहे कुष्ठ हो, चाहे प्रेम हो, या क्या नाम से जवानी हो, और चाहे इष्ट प्यार हो, इनको हम रुसवा कर देंगे। रुसवा होता है बदनाम करना या छोड़ देना, बदनाम होता है अर्थात वो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, चाहे हम किससे प्यार कर रहे हो या किसके प्रेम कर रहे हो, तो दोनों का रुसवा कर, दोनों को छोड़ करके, दोनों को बदनाम करके वो जवानी जो खून में ना आती नहीं, अर्थात ऐसी जवानी किस काम की जो देश के लिए काम नहीं आए, जो खून में ना आए नहीं, जो अपने के आराम से उनका पालन नहीं करे, ऐसी जवानी किस काम की। जवानी है लड़ने के लिए, जवानी है के आराम से देश की रक्षा के लिए, देश जवानी है देश के काम आने के लिए, तो ऐसा हुस्न और इस दोनों का रुसवा करें, दोनों को ही के आराम से बदनाम करके और हम लड़े, हम युद्ध में जाए तो ही जवानी हमारे काम की है, बाकी जवानी को मतलब नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अर्थात आज धरती जिस प्रकार से दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए सजाता है, दुल्हन की रक्षा के लिए तैयार रहता है, उसी प्रकार से दुल्हन की तरह हमारी धरती, हमारी राष्ट्र माता वो सजी हुई है और उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, इस प्रकार से दुल्हन को दूल्हा बचाता है उसका कर्तव्य है, नहीं बचाएगा दूल्हा, लेकिन जो क्या नाम से देश को बचाए, राष्ट्र को बचाए, दुल्हन को बचाए, तो आज दुल्हन बनी हुई है हमारे देश के आराम से, हमारे मातृभूमि अच्छी लहला रही है, देश समृद्ध है, देश विकसित है, देश के आराम सब तरह से प्रसन्न है, तो उस प्रसन्नता को बचाए रखना, उस प्रसन्नता को बनाए रखना अब तुम्हारे हवाले होता। अब हम आप देश को छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारे वतन को लेके जा रहे हैं, आप संभालिए इसको, ये आपके ऊपर है। तो ये पीरियड हो गया, इसके बाद फिर रात में मिलेंगे अपन और उसमें फिर पढ़ेंगे। ठीक है भैया, अच्छी कविता है, अच्छा गीत है।